अरे बाप रे, ये ऐसे सवाल ना रैपिड फायर में आपको फंसा देते, छोटे छोटे रोल मिलते थे। ये देखो, ये मतलब ना टेंशन में डालने वाले सवाल। मैंने कहा ना, भूत भूत कुछ नहीं होता, गो प्लीज। देख, जैसे क्रिसमस में सब लोग बोलते हैं ना, संता आएगा, सबको पता है घंटा आएगा। हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। There were a lot of opportunities for actors, but छोटे छोटे रोल मिलते थे पहले। जैसे अक्सर एक मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन फैमिली में, अगर आपको जहाँ टेक्निकली इस फिल्म इंडस्ट्री से या एक्टिंग इंडस्ट्री से अगर कोई वैसे कनेक्ट ना हो, तो घर पे थोड़ा सा टेंशन रहता है। मम्मी का हमेशा ये चलता रहता था कि कोई जॉब कर ले, जो जॉब कर ले। तो उसमें हम कोशिश करते रहते थे कहीं ना कहीं कुछ एक्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई डायरेक्टर देखे, प्रोड्यूसर देखे और अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन वो होने में बहुत वक्त लगता है। ऐसा नहीं कि बहुत कम लोग ऐसे लकी होते कि ओवरनाइट कुछ अच्छी चीज मिल गई और आप स्टार बन गए। सो वो वक्त आपको देना पड़ता है। सो वी वर आल्सो ट्राइंग, वी वर स्ट्रगलिंग। एंड टीवी में छोटे छोटे रोल मिलते थे, तो मेरी मम्मी के आई रिमेम्बर मम्मी के कुछ फ्रेंड्स मम्मी को पूछते थे कि क्या कर रहा है आजकल श्रेयस। तो मम्मी कहती थी कि नहीं, वो एक टेलीविजन सीरियल है, अभी उसमें काम कर रहा है। अच्छा, कौन सी सीरियल है? वो अमानत नाम की एक सीरियल है उसमें। अच्छा, वो तो हम देखते हैं, अमानत उसमें दिखा नहीं कभी। नहीं नहीं अभी आएगा, अगले एपिसोड में। अच्छा अच्छा, फिर अगले एपिसोड में एक छोटा सा एक सीन होता था और फिर अच्छा उतना ही था, हमें तो लगा था कुछ और होगा। सो ऐसे वो शुरुआत हुई, छोटे छोटे रोल, छोटे छोटे सीन्स। बट कहीं ना कहीं आई थिंक एक फेथ, एक होप, एक बिलीफ रहता है ना कि नहीं यार, काम से ही काम मिलेगा। आप काम अच्छा करते रहो तो someone will notice you and give you more work, and that is exactly how it happened. आपका आपके काम के बारे में फिर और चार लोग बातें करते हैं, कहते हैं कि नहीं ये लड़का अच्छा है, कुछ और इसके साथ करते हैं। ऐसे धीरे धीरे करते करते पहले मैंने एक्चुअली हिंदी कुछ सीरियल्स की, फिर मराठी की सीरियल्स की, फिर मराठी सीरियल्स में थोड़े प्रोमिनेंट रोल्स मिलने लग गए, थोड़े लोग जानने लग गए, पहचानने लग गए, तो और थोड़ा काम मिलने लग गया। बट जितनी तेजी से मैंने देखा है कि टीवी में आपको जितनी तेजी से काम मिलता है, उतनी तेजी से आप ओवर एक्सपोज भी हो जाते हो। सो ये भी हुआ कि दो तीन साल काम करने के बाद लोगों ने कहा कि नहीं, कोई और चेहरा देखते हैं, श्रेयस थोड़ा ओवर एक्सपोज हो गया है। और तब ऐसा नहीं था कि आप एक टेलीविजन सीरियल कर रहे हो तो आप एक ही करोगे। मी एंड माय फ्रेंड्स, वी यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट 4 to 5 डिफरेंट शोज, और वो डेली सोप शुरू हो गए थे, तो हम भागा करते थे ये सेट से दूसरे सेट पे वगैरह। लेकिन उसमें होता क्या है कि 2-3 साल लगातार करने के बाद आप हर जगह दिख रहे हो, तो लोग भी परेशान हो जाते हैं। आफ्टर अ पॉइंट ऑब्वियसली पीपल विल आल्सो गेट बोर्ड। सो वो होने लगा कि समवन वन डे टोल्ड मी दैट यार, व्हाट, यू आर लिटिल ओवर एक्सपोज्ड। एंड दैट वाज प्रीटी स्कैरी अ थॉट फॉर मी कि यार, अभी तो मेरा करियर शुरू हुआ है, शुरू मतलब अभी तो टेलीविजन से जस्ट शुरुआत की है। अभी अगर मैं ओवर एक्सपोज हो गया, इफ पीपल गेट बोर्ड ऑफ वॉचिंग मी, तब तो मतलब करियर खत्म। सो दैट इज व्हेन एक्चुअली आई डिसाइडेड दैट आई विल टेक अ बैक सीट फ्रॉम टेलीविजन और मैं थोड़ा फिल्मों पे फिर फोकस करूंगा। क्योंकि थिएटर में भी ऐसे ही हुआ था कि आई वाज डूइंग वन शो कॉल्ड ऑल द बेस्ट, और उसके करीबन मैंने 1200 के आसपास शोज किए। 3-3.5 साल लगातार उसके शोज हम लोग कर रहे थे, और फिर एक पॉइंट आया जहाँ पे आप थोड़े से सैचुरेट हो जाते हो कि एक ही शो कर रहे हैं, बार रोज कर रहे हैं, रोज कभी 2 शो, कभी 3 शो, ऐसे कभी टूरिंग, बाहर जा रहे हैं। एंड देन यू फील कि यार कुछ और भी थोड़ी कोशिश करनी चाहिए। और थिएटर में एवरीबडी नोज के अभी तो खैर थोड़े थोड़े पैसे बेटर हो गए, 90s में तो पैसे बहुत कम हुआ करते थे। सो 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए ऐसे पर शो मिलते थे। सो उसमें आप सोचते हो कि कैसे गुजारा होगा आगे, अगर फैमिली लाइफ करनी है तो कैसे होगा। सो यू थिंक ऑफ मूविंग ऑन। सो टेलीविजन का भी यही हुआ, देन आई डिसाइडेड कि आई टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड आई ट्राई फॉर फिल्म्स। बट अगेन फिल्म्स वाज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। कुछ नहीं हुआ 1-1.5 साल ट्राई करने के बाद, फिल्मों में भी कुछ नहीं हुआ। तो मैं टीवी का ही एक फिर वीकली शो करता था कि ऐसा लगता था चलो वीकली है, रोज रोज जाके वैसा नहीं करना होगा, वीकली है
महीने में 3 या 4 दिन शूटिंग होती थी। मम्मी का रिएक्शन क्या था? मम्मी का तो मतलब मम्मी हैड प्रीटी मच, उसको भी एक्चुअली बुरा लग रहा था क्योंकि जब टेलीविजन में काम शुरू हुआ तो थोड़ा ठीक ठाक काम चलने लगा। मैंने अपनी आई रिमेम्बर पहली बाइक खरीदी, फिर मैंने अपनी पहली कार खरीदी मारुति 800। सो उससे कहीं ना कहीं लगने लगा चलो थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है मामला, बट स्टिल समवेयर शी केप्ट फीलिंग कि तू जॉब कर ले, तू ये सब कर लेकिन तू एक स्टेडी जॉब हो, जैसे कहते हैं ना कि तू सेटल हो जा, तो अगर जॉब हो तो इंसान सेटल हो जाता है लाइफ में। तो उसका वो था कि यार एक जॉब हो ना फिर कोई टेंशन नहीं। दैट प्रीटी मच कंटिन्यू टिल आई हैड इकबाल एंड इकबाल रिलीज्ड, तब तक वो थोड़ा मम्मी का टेंशन था बट उसके बाद शी फेल्ट कि नहीं चलो नाउ इकबाल को जब कामयाबी मिली तो शी फेल्ट अ लिटिल बेटर। बट हालांकि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग रहता है एंड आप सोचते हो कि मैं क्या करूं, मैं छोड़ देता हूं, चुपचाप जॉब कर लेता हूं, ये सारे थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं टिल द टाइम यू टेस्ट सक्सेस। लाइक दे से कि द नाइट इज द डार्केस्ट बिफोर डॉन। जब आप ऐसा आई हैव रियलाइज कि जब आपको लगे कि यार कुछ नहीं हो सकता, सारा मामला चौपट हो गया है, अब ये छोड़ ही देना चाहिए, दैट इज द टाइम व्हेन यू शुड रियली होल्ड ऑन, बिकॉज उसके बाद आप मतलब आप और क्या बुरा होगा, उसके बाद फिर अच्छा ही होगा। सो हम कभी कभी वो पॉइंट पे आके छोड़ देते हैं जब एक्चुअली अच्छा होने वाला होता। सो दैट इज व्हाट आई पर्सनली फील। कई सारे एक्टर्स हैं जिनके सवाल है ये कि वो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि हम क्या करें, हम उस दौर पे हैं जहाँ पे सिर्फ चले जा रहा है, स्ट्रगल किया जा रहा है, और कितने दिन तक चलेगा वो। तो उनका ये सवाल है कि एक्टर बनने के लिए और उनको क्या क्या करना पड़ेगा, जैसे थिएटर जैसे आपने किया, तो उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? See, आज तो इनफैक्ट कई सारे और भी एवेन्यूज है। इनफैक्ट आप अपना कुछ नहीं तो आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो एंड यू कैन ऑलवेज स्टार्ट क्या कहते हैं परफॉर्मिंग ऑन दैट पर्टिकुलर चैनल एंड ऑब्वियसली देयर विल बी सर्टेन व्यूज। कितने कितने टाइम तक आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा इसका जवाब तो मेरे ख्याल से किसी के पास नहीं है। हाँ ये बात है कि आज अपॉर्चुनिटीज बहुत है और आपको बेझिझक लोगों से मिलना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, जो मैं आज भी करता हूँ। इफ आई वॉन्ट टू वर्क विद समवन आई कॉल अप दैट पर्सन एंड टेल दैट पर्सन कि सर आपका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, क्योंकि अच्छा काम तो हर कोई करना चाहता है। सो आई फील कि मैंने भी जैसे ढेर सारे स्टूडियोज को विजिट करता था, प्रोड्यूसर्स को मिलता था, डायरेक्टर्स को मिलता था, एक एक मैं अपने लाइफ में जो चीज मेरे हुई वो मैं बताना चाहूंगा कि मैं जो लोगों से मिलता था उस वक्त मोबाइल भी नहीं था, तो जो लैंडलाइन नंबर है मुझे मुझे पता है मैं एक डायरेक्टर से मिलने गया था, आई स्टिल रिमेम्बर, और उस वक्त मैं कुछ नहीं कर रहा था। तो ये 1999 की बात होगी जब मैं उनको मिलने गया था और उन्होंने मुझसे वहां, वो अपने एक नाटक की रिहर्सल कर रहे थे और वो एक कुछ सीरियल शुरू करने वाले थे, मराठी सीरियल, तो मैं मिलने गया था कि सर मैं भी एक्टर हूँ, ऐसा करना चाहता हूँ। तो उनका हाँ हाँ अच्छा अच्छा ठीक है क्या किया है, तो मैंने कहा मैंने नाटक में काम किए, 4-5 नाटक किए, इतने शोज किए वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो थिएटर का है बंदा तो शायद थोड़ा बहुत तो एक्टिंग जानता होगा। सो उन्होंने मेरा नाम लिखा और नंबर लिखा एंड लिटरली मतलब एक छोटे से चिट ऑफ पेपर, इतना छोटे पेपर पे नाम और नंबर बस लिख रहे, बोले हाँ हाँ मैं तुझे बता दूंगा अगर कुछ होगा तो। और वो चिट उन्होंने अपने एक रजिस्टर में ऐसे डाल दिया, फेंक दिया। तो मैंने कहा ये तो गया दोस्त, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, कहाँ वो चिट उनको मिलेगी, वो कब ढूंढेंगे कब बताएंगे। तो मैंने कहा चलो छोड़ दो, बट मैंने नेवरथलेस मैंने बात की और मैं निकला। उसके 6 से 8 महीने बाद मुझे एक फोन आया, ओके कि मराठी सीरियल देखते हो, मैंने कहा हाँ सर देखता हूँ। अच्छा एक ऐसी ऐसी सीरियल है जिसमें टाइम लीप होने वाला है, वो बच्चियां जो छोटी थी अब बड़ी होने वाली है, तो एक जो बच्ची है उसके अपोजिट एक हीरो का रोल है, तो आके ऑडिशन करना, मिल लेना। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं जाके उनसे मिला, सारी बातें हुई। मैंने पूछा अच्छा शूटिंग कब से है, तो बोले कि कल से, कल आ जाओ सेट पे। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है मैं आ जाऊंगा। सो आई आस्क्ड हिम कि सर मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला, सो ही सेड पुरुषोत्तम बेर्डे सर है,
ओ मैंने उनको फोन किया था, कोई है लड़का, नया लड़का है तो बता दो। एनी से दिया, या एक लड़का है जो मुझे मिलने आया था कुछ 6-8 महीने पहले, मैं नंबर देखता हूँ उसका, मेरे रजिस्टर में होगा। और उन्होंने वो रजिस्टर खोला, उसमें वो चिट मिली, वो चिट में से उन्होंने मेरा नंबर शेयर किया, एंड दैट्स हाउ आई गॉट दैट कॉल, एंड दैट कॉल चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी, यू नो। सो इट साउंड्स वेरी फिल्मी, इट साउंड्स वेरी यू नो ड्रीम लाइक, बट एग्जैक्टली दैट्स अ फैक्ट, यू नो। वो नंबर उन्हें मिला, उन्होंने शेयर किया, मैंने वो सीरियल की, वो सीरियल वॉज प्रेटी मच द टर्निंग पॉइंट इन माई करियर एज फार एज एन एक्टर इज कंसर्न, कि मराठी में लोग मुझे जाने लग गए वहां से। तो कुछ भी हो सकता है दोस्त, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि लगे रहो, काम करते रहो, लोगों से मिलते रहो, लोगों को बताते रहो, भले वो सामने वाला परेशान क्यों ना हो जाए, बट लगे रहो। ठीक है सर. एज अ व्यूअर सर, मुझे लगता है कि इकबाल जो मूवी थी बहुत ही चैलेंजिंग थी. उसमें आपने स्पोर्ट्समैन का भी किरदार निभाया था, साथ ही आपने डिफेंसली एबल का भी किरदार निभाया था, तो वो जी, आपके लिए कितनी चैलेंजिंग थी दौरान सेट्स पे? फॉर मी इकबाल ऑब्वियसली इज समथिंग दैट चेंज्ड माय लाइफ कंप्लीटली, यू नो। मतलब आज हम यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, इट्स ऑल थैंक्स टू इकबाल। अगर इकबाल नहीं होती तो शायद हम ये इंटरव्यू आज नहीं कर रहे होते। तो एज अ फिल्म तो डेफिनेटली आई यू नो, जितनी बार मैं नागेश कुकनूर, इलाही हिप्तुल्ला, सुभाष घई सर, राहुल पुरी, इन सब के जितनी शुक्रिया अदा करूं वो कम होगा, बिकॉज ये अगर मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं देते तो वो सारी चीजें नहीं होती। एंड इकबाल जैसा रोल यू नो मुझे दिया, इकबाल जैसी फिल्म दी, विच इज यू नो ब्रिलियंट फिल्म ऑल टुगेदर। मतलब हैट्स ऑफ टू नगेश कुकनूर की वो वैसी फिल्म उन्होंने उस वक्त बनाई, कि आज इकबाल रिलीज होके 16-17 साल हो गए, लेकिन आज भी वो फिल्म उतनी ही फ्रेश है, लोग आज भी उसकी बातें लोगों को करते आज हैं। भी याद है एक-एक डायलॉग, एक-एक जब भी यू चीज. नो स्पोर्ट्स फिल्म्स की बातें होती है तो इकबाल उसमें फीचर इकबाल सबसे करती है। टॉप है. तो एग्जैक्टली आई थिंक इट्स आई हैव बीन वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे करियर की सबसे पहली फिल्म यू नो हिंदी फिल्म जो मैं कहूंगा वो इकबाल वैसी रही। एंड एज अ शूटिंग एक्सपीरियंस, एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, इट हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट सो फार। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी हर फिल्म जो मैं करूँ उसमें मैं उतनी मेहनत करूं जितनी मैंने इकबाल के लिए की थी, कि हमने शूटिंग के ऑलमोस्ट 20-25 दिन पहले पूरी उसकी वर्कशॉप्स की थी, तैयारी शुरू की थी। फिर चाहे वो बोलिंग की प्रैक्टिस हो, या वो साइन लैंग्वेज की प्रैक्टिस हो, या फिर भैंसों को घुमाने की प्रैक्टिस हो, उनको नहलाने की प्रैक्टिस हो, सारी छोटी 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 चीजें जितनी भी इकबाल में थी वो नगेश ने वो यू नो सारी चीजें मुझसे करवाई, और इसीलिए वो किरदार वैसे बन पाया, इसीलिए वो किरदार वैसे पर्दे पे उभरा। सो मैं वाकई में चाहता हूँ कि यू नो जैसी मेहनत वैसे तब की थी वो हर फिल्म में अगर हो तो मामला ही कुछ और हो जाएगा। आई थिंक इट्स वन ऑफ माई बेस्ट नॉट ओनली रोल्स बट ऑल्सो शूटिंग एक्सपीरियंसेस। उसके सक्सेस को देखने के बाद घर का रिएक्शन क्या था? आई थिंक यू नो सबसे पहले तो कमिंग फ्रॉम, लाइक आई सेड, आई कम फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, तो हमें तो पहले तो पता ही नहीं चला कि इसको रिएक्ट कैसे करना चाहिए, यू नो, कि वो जो सक्सेस मिला, पहले तो यकीन नहीं होता आपको कि यू नो कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, पिक्चर ऐसी भी हिट होती है, आपके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, पोस्टर्स लगते हैं। आई रिमेम्बर इकबाल का एक कंप्लीटिंग 100 डेज ऐसा पोस्टर तब छपा था। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त ये कैमरा फोन्स नहीं थे तो हम फोटोज नहीं निकालते थे, बट वो मेमोरी में छप गया है, यू नो, पहला होर्डिंग लगना, पहला पोस्टर लगना, सुभाष जी के ऑफिस में जब पहली बार मैं इकबाल के बाद उन्हें मिलने गया, राम लखन कर्मा इसके साथ एक इकबाल का भी पोस्टर वहां पे लगा हुआ था। सो जो फिल्में देख के आप बड़े हुए हैं, यू नो, आपने जो आइडियलाइज किया है, जिन लोगों को आपने आइडियलाइज किया है, उनके साथ आपका पोस्टर लगना, आई थिंक ऑल दीज थिंग्स वर अनबिलीवेबल, यू नो। सो 6 महीने तो पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है आपके साथ। माई फैमिली वॉज वेरी हैप्पी, वेरी एक्सटेटिक, वी गॉट अ लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल हैव ब्लेस्ड मी, यू नो, अ लॉट ऑफ पीपल हैव लव्ड मी, एंड दैट इज द रीजन दैट आई एम इटर्नली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम, बिकॉज मैं आज तक इकबाल के लिए अगर आपको फोन आते हैं और लोग कहते हैं कि सर वो पिक्चर मैंने वापस देखी, मैंने 20 बार देखी, मैंने 25 बार देखी, वो गाना मैं रोज सुनता हूँ, देन आई थिंक इट इज यू नो गॉड हैज बीन एक्सट्रीमली काइंड। सो माय फैमिली ऑब्वियसली, माय वाइफ वाज वेरी हैप्पी, माय मदर वाज वेरी वेरी हैप्पी,
वो सारी सहेलियां जो कुछ साल पहले तक लिटरली 10 साल तक मम्मी से पूछती रही कि क्या कर रहा है, उसको बोलो कुछ ढंग का करे, नौकरी करे, छोड़ दे ये एक्टिंग वैक्टिंग, कब तक चलेगा ऐसे ही, जो 10 साल तक वो सुनती रही. फाइनली शी हैड हर मोमेंट व्हेन ऑल दोस फ्रेंड्स कॉल्ड हर बैक एंड सेड वाओ वी आर सो प्राउड ऑफ हिम. सो आई थिंक एक्टर की जिंदगी में ये मोमेंट बहुत मैटर करता है. एंड ऑल ऑफ अस वेट फॉर दैट मोमेंट. कभी वो बहुत जल्दी आती है, कभी लेट आती है, लेकिन वो मोमेंट आती जरूर है. तो श्रेया, तब रिसेंटली आप ना, अभी आपने एक वेब सीरीज किया है डिज्नी हॉटस्टार पे, 3, 2, 5, तो जी उस किरदार को आपने, मतलब क्या रीजन था उस किरदार को चूज करने का, मतलब आपने क्यों किया वो किरदार, क्या अपीलिंग लगा उस किरदार में आपको? बहुत इंटरेस्टिंग सा की स्टोरी लाइन भी है वो, और 3, 2, 5 की, और इवन किरदार जो है मेरे लिए कुछ नया था. मैंने इस तरीके का कैरेक्टर पहले किया नहीं था कि एक वल्नरेबल इंसान है वो, शादी शादीशुदा है, बच्चा नहीं हो रहा है, वो बच्चा चाहता भी है बट वो अपना एक अपनी स्पेस भी चाहता है, अपना इंडिपेंडेंस भी चाहता है. तो वैसे किस्म का एक वो टिपिकल बंदा है, और उसके लाइफ में वो वाइफ कहती है कि अडॉप्ट करना चाहिए, तो हाँ ना करते करते वो तैयार हो जाता है. और फिर जब अडॉप्ट करने की बारी है तो पता चलता है 3 3 बच्चों को अडॉप्ट करना है. तो उसकी लाइफ बहुत सडनली चेंज होने लगती है. 3 बच्चे आ जाते हैं, काफी चीजों पे रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, ही इज नॉट वेरी हैप्पी, बट धीरे धीरे उन बच्चों के साथ में उसका एक ट्यूनिंग होना शुरू होता है. एंड सडनली वाइफ प्रेग्नेंट होती है और उनको ट्विंस होते हैं. सो ही डजंट नो व्हाट हिट हिम, बट बाय दैट टाइम ही हैज चेंज्ड कम्प्लीटली. ही इज ओके. 5 बच्चे तो 5 बच्चे, वो सारे कॉम्प्रोमाइजेस, सारे एडजस्टमेंट सब करने को तैयार है. एंड देन इवेंचुअली वाइफ कहती है कि यार ये 3 बच्चे हम नहीं संभाल सकते, इनको वापस लौटा दो. एंड ही शैटर्ड, ही डजंट नो कि क्या करना चाहिए. वो लौटा तो देता है लेकिन ही इज नॉट एबल टू स्लीप वेल, ही कैनॉट फॉरगेट इट, बिकॉज तब तक वो उसके अपने बच्चे बन गए. एंड देन हाउ इवेंचुअली बोथ ऑफ देम डिसाइड कि नहीं है, हमारे बच्चे हमारे बच्चे, 5 हो 10 हो कुछ भी हो, दे हैव टू कम बैक टू अस. सो आई थिंक दैट एंटायर जर्नी ऑफ विशाल साहू, जो कैरेक्टर का नाम है, आई थिंक दैट फॉर मी वॉज वेरी सेटिस्फाइंग, वेरी चैलेंजिंग एज एन एक्टर. एंड अमिताभ जी इज अ वंडरफुल डिरेक्टर. श्रुति जी एंड मेहरान, इन्होंने वो कहानी लिखी है. उसके डायलॉग, छोटे छोटे डायलॉग्स, बड़े प्यारे से डायलॉग्स है. एंड अमिताभ जी हिमसेल्फ इज अ वेरी क्या कहते हैं, वेरी हम्बल, वेरी स्वीट गाय. तो ऐसा बंदा वो जीता है, ही एक्सपीरियंसेस दोस काइंड ऑफ मोमेंट्स, एंड दैट्स व्हाट ही ट्रांसलेट्स टू हिज एक्टर्स आल्सो, एंड दैट इज व्हाट वी ट्राई टू ट्रांसलेट ऑन स्क्रीन फॉर आर ऑडियंस. सो आई आई लव द कैरेक्टर. बहुत क्या कहते हैं, कम बार ऐसे होता है कि ऐसा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आपके हाँ, कुछ अलग सा भी था। हाँ, आपके लाइफ में आता है, हाँ, एंड यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दैट अपॉर्चुनिटी. एंड आई एम ग्लैड कि डिज्नी हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म पे वो सीरीज है, बिकॉज वो उसी बहाने लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचेगी. एग्जैक्टली। आजकल लोग घर पर बैठ के वही देख रहे हैं सब वेब सीरीज। बिल्कुल बिल्कुल. तो सर, इसके बाद हमें आप कहाँ दिखोगे, कौन से सीरीज में दिखोगे, कौन से मूवी में दिखोगे, आप कमिंग प्रोजेक्ट्स? अभी मैंने इनफैक्ट 3 फिल्में की है जो टेक्निकली तो रेडी है. ये अगर सेकेंड लॉकडाउन, सेकेंड वेव नहीं होती तो शायद जून या जुलाई में वो फिल्म्स रिलीज के लिए रेडी होती. एक है मन्नू और मुन्नी की शादी, विच इज अ नाइस लाइट हार्टेड स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी काइंड ऑफ फिल्म. दूसरी है लव यू शंकर, विच इज अ चिल्ड्रंस फिल्म बेस्ड ऑन री इनकारनेशन ड्रामा. वो भी बहुत अच्छी बनी है फिल्म. और तीसरी एक मराठी फिल्म है जो मैंने, उसका टाइटल अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, तो वो महेश मांजरेकर सर ने डायरेक्ट की है. तो वो एक सेंसिटिव लव स्टोरी है. तो आई एम होपिंग कि जैसी चीजें अभी थोड़ी थोड़ी ऐसा लग रहा है कि वापस थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी, तो अभी वो रिलीज के लिए हम तैयार हो जाएंगे. सर, हमारे मराठी पेजों से कई सारे सवाल थे कि अगर आपको मराठी वेब सीरीज मिले तो आप वेब सीरीज करना चाहोगे, मराठी वेब क्यों सीरीज? नहीं, बिल्कुल करूंगा. मैंने कभी भी जो काम मुझे अच्छा लगता है मैं वो काम करता हूँ. मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि अरे मैं हिंदी फिल्में कर रहा हूँ तो अब मैं मराठी फिल्म कैसे करूँ.
या मराठी फिल्म कर रहा हूँ तो मराठी वेब सीरीज कैसे करूँ, या मैं नाटक कैसे करूँ। मैं इन चीजों में कभी ना तो पढ़ा हूँ ना पढ़ूंगा, यू नो। मुझे दिल को जो चीज अच्छी लगती है मैं कूद जाता हूँ और मैं पूरे दिल से वो चीज करता हूँ। सो इनफैक्ट एक मराठी वेब सीरीज के लिए कल ही किसी ने पूछा है। वो कहानी अब सुननी बाकी है। अगर कहानी अच्छी लगेगी तो डेफिनेटली मैं अब हम जरूर वो भी मिलेंगे करूंगा, आपको वहां पे। पोस्टर 100%, 100%। बॉयज और पोस्टर गर्ल के बाद कोई तीसरा सीक्वल आने वाला है आपका एक्चुअली अपकमिंग? पोस्टर गर्ल हमारी फिल्म नहीं है, एज इन हमारे प्रोडक्शन की फिल्म नहीं है। वो नाम के वजह से लोगों को लगता है कि पोस्टर बॉयज के बाद मैंने पोस्टर गर्ल किया, लेकिन वो किसी और का प्रोडक्शन है। लेकिन फिल्म्स, यस, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन वी आर वर्किंग ऑन अ कपल ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट्स। अगर किसी के पास अच्छी स्क्रिप्ट हो तो दे आर फ्री टू अप्रोच अस, एंड वी होपफुली शुड बी शूटिंग वन फिल्म बाय एंड ऑफ दिस ईयर। इफ ऑल गोज वेल तो एंड ऑफ दिस ईयर हम शूट करेंगे जो अगले यस। साल रिलीज होगी। सो इसके सेकेंड राउंड इज आर रैपिड फायर। आई नो डोंट हैव मच टाइम बट स्टिल इट विल टेक लेस टाइम। इट्स ओके, ओके लेट्स स्टार्ट। कॉमेडी फिल्म और रोमांटिक फिल्म? रोमांटिक कॉमेडी, योर इंस्पिरेशन? बच्चन साहब, बाला साहेब ठाकरे, लॉट ऑफ मराठी एक्टर्स हु इसेंशियली देव यू नो टॉट मी कॉमेडी। आज अगर मैं कॉमेडी के लिए जाना चाहता हूँ तो बहुत से एक्टर्स हैं मराठी इंडस्ट्री के जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। योर फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर मिस्टर बच्चन। योर फेवरेट को स्टार? फेवरेट को स्टार आई थिंक शाहरुख खान। फेवरेट फिल्म? फेवरेट फिल्म मेरी अपनी या कोई भी? कोई भी। फेवरेट फिल्म एक्चुअली राजकुमार हिरानी जी की कोई भी फिल्म, यू नो। कोई एक फिल्म आपको नाम लेना है? मुझे लगता है कि थ्री इडियट्स बहुत सुपर फिल्म बनाई थी उन्होंने, या एंड इनफैक्ट इवन मुन्ना भाई, यू नो, एक नया जॉनर वहां से शुरू हो गया था मुन्ना भाई से। सो लॉट ऑफ पीपल वर इंस्पायर्ड कि यार ऐसा कुछ बनाना है, ऐसे कुछ फिल्म में काम करना है। तो यस, आई आई रियली लाइक हिज वर्क। गोलमाल अरे बाप रे, ये ऐसे ऐसे सवाल ना रैपिड फायर में आपको फंसा देते। इकबाल? नहीं, सी ऑब्वियसली इट विल हैव टू बी इकबाल, बिकॉज लाइक आई सेड कि इकबाल नहीं होता तो गोलमाल भी नहीं होता। ठीक है। फेवरेट डांसर इन बॉलीवुड? फेवरेट डांसर आई थिंक राइट नाउ टाइगर श्रॉफ नाउ, लेकिन अगर आप पहले के पूछो तो चिची भैया गोविंदा सर, गोविंदा सर? फैंटास्टिक। या मतलब उनका हर चेहरे का छोटी छोटी नब्ज भी डांस करती है, राइट। यू नो। सो क्रिकेट आई लव्ड हिम। और फुटबॉल? मोहम्मद क्रिकेट, रफी या किशोर साहब? अरे बाप रे, नाउ ये देखो, ये मतलब ना आप टेंशन में डालने वाले सवाल है। बट ऑफ कोर्स यू नो ही एडमायर रफी साहब, बट आई हैव बीन मोर ऑफ अ किशोर दा फैन। वन फेवरेट हिंदी सॉन्ग दैट इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट? फेवरेट हिंदी सॉन्ग इज आई ऑलवेज लाइक दिस सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म मशाल, जिंदगी आ रहा हूं मैं, लिए सपने निगाहों में चलाऊं तेरी राहों में, जिंदगी आ रहा हूं मैं। रोहित नहीं 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 रोहित शेट्टी और संजय लीला भंसाली? शेट्टी। वन डायलॉग फ्रॉम गोलमाल ऑफ योर्स? अरे सुंदरी है गोपू सुंदरी, मैंने कहा ना भूत भूत कुछ नहीं होता गोपू, प्लीज देख। जैसे क्रिसमस में सब लोग बोलते हैं ना, संता आएगा संता आएगा, सबको पता है घंटा आएगा। नाइस। वन मोमेंट इफ यू रिकॉल फ्रॉम दिस सेट ऑफ गोलमाल रिटर्न्स, गोलमाल रिटर्न्स, बिहाइंड द गोलमाल सीन्स? गोलमाल रिटर्न्स में एक एक बार एक यू नो मैं नया नया था, उसमें दूसरे पार्ट में मेरी एंट्री हुई थी। मैं नया था एंड नोइंग अजय भाई एंड रोहित, दे आर नोन फॉर देयर प्रैंक्स ऑन सेट। मेरे सामने एक बार ऐसे सुतली बॉम्ब नहीं होता वैसे, मेरे सामने लेके आए थे और मैंने देखा, तो मैं देख के और जलाया ऐसे और सामने रख दिया, तो मैं डर गया और पता चला कि एक्चुअली एक पत्थर में खाली वो रस्सी लपेटी थी और मुझे डराने के लिए किया। और फिर दूसरी बार वापस ऐसे ही करके वो बॉम्ब डाला मेरे सामने और मैंने कहा वैसे ही होगा, और ढाम से फट गया, वो असली वाला था। सो ऑब्वियसली यू नो, बट मैं खुद भी ऐसे कुछ ना कुछ शरारते करता रहता हूँ, मतलब स्कूल टाइम से। तो आई आई लाइक डेट, यू नो, आई ऑफ कोर्स आई आई लव द टीम एंड आई लव्ड एवरी लिटिल प्रैंक दैट दे डू।
ये अब तक चला है. इनफैक्ट गोलमाल अगेन में भी आई रिमेम्बर हम लोग का फोटो शूट था गोलमाल अगेन का, एंड मैं उस वक्त पोस्टर बॉयज भी शूट कर रहा था. सो नाइट शूट पोस्टर बॉयज चल रही थी एंड डे में हम गोलमाल अगेन का शूट करते थे. तो मैं थोड़ा थक गया था एंड आई रिमेम्बर आई वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ परिणीति और मैं और परी बातें कर रहे थे एंड वो देख रही थी कि मेरे पीछे क्या हरकतें चल रही है. और अजय भाई ने पीछे, बिकॉज वो फोटोशूट में भी फायर क्रैकर्स है, तो अजय भाई ने पीछे वैसे ही एक बम जलाया और चुपके से पीछे रख दिया. और मैं ना थोड़ा थक गया था तो मैं ऐसे परी से बात करते करते थोड़ी झपकियां भी ले रहा था. तो परी ने देखा कि ये तो बिल्कुल बकरा सेट है, यू नो. वो बात करते करते मुझे कहा कि मैं एक सेकेंड में आती हूँ. और जैसी बॉम्ब जलाया तो वो उठ के चली गई और मैंने कहा हाँ, और मैं ऐसे सोने जा रहा हूँ, ढाम से पड़ गया मेरे पीछे. तो ये सारी हरकतें हमारे सेट पे कंटिन्यूस चलती रहती है. बट यू नो दैट इज व्हाट मेक्स द टीम सो स्ट्रॉन्ग एंड इट इज दीज मोमेंट्स दैट इवेंचुअली यू रिमेम्बर, राइट. वन वर्ड फॉर अजय सर. अजय भाई आई से इज अ ट्रू फ्रेंड, हालांकि ही इज माई सीनियर, you know, and it is my kya kehte hai, I'm consider myself very fortunate that he considers me a friend. He's a true friend. Aap vacation ke liye nikal rahe ho and you have to take three people from the industry, whom you will take? Ore baap re, I think three people will not be enough. Main matlab golmaal ki gang ko साथ में जरूर ले जाना चाहूंगा. एट द सेम टाइम देर आर लॉट ऑफ माई डायरेक्टर्स हु आई वर्क्ड विद आर यू नो सम ग्रेट फ्रेंड्स, सो उन सबको डाल के घुसा के ले जाना चाहूंगा. वन मूवी जिसको आपने ना कहा था बट देन यू थॉट कि ना नहीं करना चाहिए था. मैंने तो एक्चुअली देर वॉज अ टाइम कि जब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं इकबाल नहीं कर पाऊंगा बिकॉज एक दो दिन का थोड़ा सा कमिटमेंट का इशू हो रहा था. जो मैंने कहा कि मैं एक वीकली कर रहा था उसके साथ डेट्स थोड़ी क्लैश हो रही थी. तो नगेश इज अ वेरी स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर, यू नो. तो ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द फैक्ट कि नहीं, इतने दिन प्रैक्टिस करेंगे और इतने दिन रिहर्सल और शूटिंग होगी. तो उसमें वो दो दिन अटक रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं हो पाएगा. ही वाज वेरी एंग्री विथ मी ऑल्सो कि नहीं नहीं ऐसे कैसे. बट देन later on very happily he agreed ki chalo theek hai ye do din shoot tum jo bhi hai tumhara khatam kar do and then you come back and shoot with us. to aisa lag raha tha ki shayad main nahi kar paunga but thankfully that happened. okay, so in one word you have to define yourself. one word I have to define myself, probably sincere. Nice. I'll say I'm sincere. Yeah. So thanks for the rapid fire round. Any message for your fans and Film in Huge viewers? First of all, I want to thank all of you for this opportunity, Film in Huge, and all viewers of Film in Huge, and all my viewers, all my audience, all my fans. There's only two words, and that is thank you. You know, it is only because of their love and appreciation that an actor keeps going. एक्टर के लाइफ में बहुत अलग अलग तरीके के फेज आते हैं, यू नो, अप्स डाउन्स काफी आते रहते हैं. बट जब आप अपने फैंस से मिलते हो या वो आपसे बात करते और आपको बताते हैं कि नहीं सर, उस वो फिल्म में वो जो आपने सीन किया था बहुत बेहतरीन था, ऐसा कुछ कीजिए या कुछ नेगेटिव कीजिए या हम और आपका काम देखना चाहते हैं, देन यू फील कि नहीं यार ये ठीक है, ये फेज भी निकल जाएगा. एज लॉन्ग एज योर पीपल लव यू एंड दे वॉन्ट टू सी यू मोर ऑन स्क्रीन, दैट इज ऑल दैट मैटर. सो अ बिग बिग थैंक यू to all those people who love me. Thank you sir for joining us. It was very wonderful session with you. Bahut maza aaya.